नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयरबाज में। आज हम लोग बात करेंगे श्री इंफ्रा की। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो उनके प्रमोटर्स हैं पुराने, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे भाई। अभी तक बहुत कुछ उन्होंने किया है और एक तरह से जो उन्होंने आर्गुमेंट दे रहे हैं ना जो NCLT में, वो भी मुझे कुछ जस्टिफिएबल लग रहे हैं, कुछ पॉजिटिव से लग रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है। किसके लिए? देखिए, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि अगर कंपनी पुराने प्रमोटर्स के ही पास जाती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। NARCL के पास जाएगी तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। तो जो पूरी अपडेट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हम लोग वॉल्यूम पे भी डिस्कशन करेंगे और ये कब बाहर आ सकता है IRP की स्टेज 1 से, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शेयरबाज, इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। टिप वगैरह मैं देता नहीं हूँ, ना मैं टिप पे विश्वास रखता हूँ, केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह और काम की चीज़ें यहाँ पर डालता हूँ, अननेसेसरी स्टफ वगैरह मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ। तो अगर आपको सही लगता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ जानकारी ही मिलेगी। और अपने वीडियोस के लिंक भी शेयर करता हूँ, यहाँ कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है। चलिए शुरू करते हैं भैया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कंसिडरेशन ऑफ NARCL रेजोल्यूशन प्लान मे गेट डिलेड। बिल्कुल, यहाँ पर जो NARCL का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको अप्रूवल मिलने में अभी डिले हो सकता है। और क्यों डिले हो सकता है इस पर हम लोग पूरी यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहीं पर ही पहले ही बता दूं कि भैया ये IRP की स्टेज 1 में है। IRP की स्टेज 1 में होने का मतलब अभी ये केवल मंडे ही ट्रेड करेगा, तो आपको बिल्कुल सावधानी से इसमें काम करना है। नए लोग जो हैं बिल्कुल इससे बच के रहेंगे, पुराने लोग जिन्होंने ऊपर ले रखा है उसमें एंट्री बनाने की, एवरेजिंग करने की कोशिश, गलती कतई मत करिएगा, पैसा फंस जाएगा, डूब भी जाएगा। तो आप बहुत सावधानी से इसमें काम करेंगे। और जो और दूसरी चीज़ क्या है, ये कब बाहर आ सकता है इस पर अपनी IRP की स्टेज 1 से, कि 0 में कब आएगा? जब 0 में आएगा तभी रेगुलर ट्रेडिंग चालू होगी। तो कब आएगा ये, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिए, अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि आपको पता है, जो श्री के पुराने प्रमोटर्स हैं, यानी कि कंपनी के जो आदिश्री कॉमर्शियल के जो ओनर हैं, ये यही इनके क्या कहते हैं पुराने प्रमोटर हैं, है ना। और टू सेट असाइड द, और इन्होंने NCLT में एप्लीकेशन दी हुई है। किस लिए दी हुई है? टू सेट असाइड द वेरी ऑर्डर एडमिटिंग द कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी। यहाँ पर इनका सीधा सीधा कहना है कि जो इंसॉल्वेंसी एडमिट हुई है कंपनी की, वही पूरी तरीके से गलत है, वो होना ही नहीं चाहिए था। अब इसके पीछे इन्होंने क्या लॉजिक दिया है उस पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, द डिविजन बेंच ऑफ NCLT हैज पोस्टेड द मैटर फॉर आर्ग्यूमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर 31 मार्च। तो यहाँ पर देखिए, 31 मार्च को यहाँ पर डेट दी गई है और 31 मार्च को यहाँ पर सारे आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, कुछ NCLT को भी तो लगा होगा, तभी तो उसने ये डेट दी है और इनकी बात सुनने के लिए कहा है क्या, जो पुराने प्रमोटर्स हैं, आपको पता है सारी चीज़ें। देखिए, इसमें जो भी अपडेट है मैं लगातार आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है श्री इंफ्रा अपडेट करके, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो नए लोग इतना सस्ता शेयर देख के लेने मत कूद जाइएगा, फंस जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो आदिश्री के जो काउंसिल थे वो क्या कह रहे हैं, है ना, जो इन लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द श्री ग्रुप कंपनी, यानी कि श्री ग्रुप कंपनी ने सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन थे, यही थे श्री इंफ्रास्ट्रक्चर और श्री फाइनेंशियल लिमिटेड दोनों में, एंड श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, है ना। रेज क्वेश्चन ऑन द वेरी ऑर्डर डेट एडमिटेड द कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एज द एलिज्ड डेट ऑफ डिफॉल्ट फेल विद इन द ब्लैक आउट पीरियड। बिल्कुल, आपको पता होगा ब्लैक आउट पीरियड कौन सा है। ब्लैकआउट पीरियड वो था जब कोविड आया था, और कोविड यानी कि मार्च 2020 में आया था, उसके बाद का यहाँ पर जो 6 महीने का फेज था उसको ब्लैकआउट पीरियड रखा गया था। उसके बाद उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया था, लगभग 2021 मार्च तक, जहाँ तक मुझे याद है मार्च तक बढ़ाया गया था। और ये सेक्शन के किसकी बात है, कौन से सेक्शन के तहत है, ये सेक्शन 10A ऑफ IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकप्सी कोड। तो यहाँ पर इनका कहना यही है, ये कह रहे हैं भैया आप देखिए, अभी आगे आपको क्लियर कट खुद ही समझ में आएगा। और NARCL's रेजोल्यूशन प्लान कम फॉर NCLT, अच्छा, जो NARCL का रेजोल्यूशन प्लान है वो कब आने वाला है, वो 24 मार्च को यहाँ पर अप्रूवल के लिए आएगा, यानी कि कल। मैं आज 23 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, कल यहाँ पर NCLT डिसाइड करेगा क्या करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी डिसाइड होगा जब तक 31 तक तारीख वाली जो है वो हियरिंग ना हो जाए। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट हैड बाई वे ऑफ एन ऑर्डिनेंस June 2020। बिल्कुल, ये June 2020 का जो ऑर्डिनेंस था गवर्नमेंट ने निकाला था यहाँ पर सेक्शन 10A के तहत IBC का जो कोविड का सारी चीज़ें थी, मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, यानी कि कोविड के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। आपको भी पता है बहुत सारे जो लोन वगैरह जिनके चल रहे थे उनकी EMI को माफ़ नहीं किया गया था, उनको बढ़ा दिया गया था कि आगे देंगे, माफ़ नहीं किया गया था क्योंकि। और यहाँ पर भी ये वही चीज़ कह रहे हैं कि भैया उस फेज़ में यहाँ पर इसकी इंसॉल्वेंसी एडमिट की गई है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर वो वही नियम कानून बताया जा रहा है कि भैया सेक्शन 7, 8, 9 के तहत जो है
वो 25 मार्च 2020 के बाद जो 6 महीने का पीरियड था उसके अंदर इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकती थी। और दूसरा यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड जो है वो भी शुरू हो जाता है। मोरेटोरियम मतलब आप पता है ना, उसके अंदर फिर सब कुछ बंद कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है, पेमेंट वगैरह सब कुछ रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, देखिए यहाँ पर दिसंबर 2020 के बाद 3 महीने के लिए इसको बढ़ाया गया था, जो भी मैंने आपको बताया, और इसी के बीच में यहाँ पर जो है इंसॉल्वेंसी वगैरह हुई है। अब ये जो आदि श्री यानी कि जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनकी दलील क्या है, उस पर थोड़ा सा नज़र डालिए, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अब ये साफ साफ कह रहे हैं कि भैया जो डिफॉल्ट हुआ है वो 9 जनवरी को हुआ है 2021 एंड द डिफॉल्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल का डिफॉल्ट 9 जनवरी 2021 को हुआ है और इंटरेस्ट का डिफॉल्ट जो हुआ है वो 1 फरवरी 2021 को हुआ है एंड बोथ दीज डेट्स फेल विद इन द मोरेटोरियम पीरियड एज पर सेक्शन 10A। बिल्कुल ये दोनों जो डेट्स हैं वो सेक्शन 10A के हिसाब से जो बताया गया मोरेटोरियम पीरियड उसमें ये दोनों डेटें फॉल कर रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये इन्होंने आर्गुमेंट दे रहे हैं वो थोड़ा सा एक वैलिड जान पड़ता है। यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि भैया कोविड से पहले तो हमने कोई ऐसा डिफॉल्ट वगैरह नहीं किया था, लेकिन अब कोविड आया था तो उस वजह से यहाँ पर उसकी वजह से डिफॉल्ट देखने को मिला है। और ये क्या कह रहे हैं, तो RBI जो है उसने मोरेटोरियम पीरियड जो बढ़ाया था, मतलब जिन्होंने कर्ज लिया था उनका मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया था, हु आर एनेबल टू सर्विस द लोन बट अनफॉर्चुनेटली द सेम वॉज नॉट एक्सटेंडेड टू NBFC। बिल्कुल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन थे उनके लिए यहाँ पर RBI द्वारा नहीं बढ़ाया गया, और जिसकी मार जो है वो इनको झेलनी पड़ी। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि RBI ने 4 अक्टूबर 2021 को जो SIFL और SEFL का जो बोर्ड है उसको सुपरसीड करवा के किसको अपॉइंट कर दिया था, रजनीश शर्मा जी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इट सबसिक्वेंटली फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। बिल्कुल कितने फाइल करी थी RBI ने, एंड द RBI अपॉइंटेड किसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था, देख ही लिया आपने, हु वॉज एक्टिंग फॉर श्री, बिल्कुल जो श्री के लिए यानी श्री इंफ्रा के लिए कार्य कर रहे थे। और यही वो क्या क्या कह रहे हैं कि और डिड नॉट प्रोटेस्ट और रेज ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 10A। मतलब इनका कहना ये है जो पुराने प्रमोटर्स हैं कि उन्होंने मतलब क्वेरी भी नहीं उठाई सेक्शन 10A के तहत, और जो एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे थे उनको ये क्वेरी को उठाना चाहिए था। तो गाइस आशा करता हूँ सारी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कट समझ में आती होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको पता है मैं कमेंट में सबको रिप्लाई करता हूँ। बात करेगा रिटर्न्स की, तो यहाँ पर देखिए एक ईयर टू डेट में 35% माइनस, एक वीक में 4%, एक महीने में 14%, 3 महीने में 38%, 6 महीने में कैपिटल आधी कर गया, एक साल में 63% माइनस, 2 साल में 60%, 3 साल में 51%, 5 साल में पूरी कैपिटल को खत्म कर चुका है। बात करेंगे वॉल्यूम की, तो टुडे की बात यानी कि मंडे की बात हो रही है, क्योंकि इस समय मंडे ट्रेड हो रहा है, तो 20,000 का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, उससे पिछले वाले मंडे में 20,000 और 1 वीक का एवरेज 20,000 दिखेगा। क्यों? क्योंकि मंडे को ही है ट्रेड हो रहा है, तो 1 वीक का एवरेज आपको 20,000 ही देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नए लोग बिल्कुल दूर रहें, घुसने की ज़रूरत नहीं है, पुराने लोग एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एस्प्रेसो बाय शेयर खान या लाइट ब्लू किसी में भी खुलवा सकते हैं। चलिए धन्यवाद।